राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मुफ्त किताबें योजना के तहत किताबें बांटी गई और समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में स्थानीय भाजपा नेता अमर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर पाठशाला के अध्यापकों के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस समारोह में मुख्य अतिथि अमर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा बच्चों के लिए ये अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज कुनिहार में जो पुस्तकें वितरण की जा रही है सरकार के द्वारा, उस उपलक्ष्य में मुझे मौका मिला और हमने जो छठी से आठवीं तक के बच्चे हैं उनके लिए पुस्तकें जो है वो फ्री वितरण की है। सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और मैं समझता हूँ कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए जितने साधन सरकार जुटा रही है वो काबिले तारीफ है और बच्चों को इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। मुफ्त वर्दी, स्कूलों में खाना और फ्री जो टेक्स्ट बुक्स दी जा रही हैं उसका पूरा पूरा लाभ बच्चे उठाएं, ऐसा मैं समझता हूँ। और बच्चों को जो है आज इस कंपटीशन के रूप में आगे बढ़ना चाहिए और जो दूसरे विद्यालय। इसके साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सरकार द्वारा 100 दिन के निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया ताकि पढ़ाई करवाई जा सके। आज हमने जो सरकार की ओर से हमें आदेश प्राप्त हुए थे कि 100 डेज का टारगेट लेकर के जिसमें फ्री टेक्स्ट बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और उसमें अभी हमारा एडमिशन का समय चल रहा है तो बच्चे तो अभी शुरुआती दौर पर तकरीबन 35-40 बच्चे ही आ पाए हैं। तो इसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमर सिंह ठाकुर जी के करकमलों द्वारा ये पुस्तकों का वितरण हुआ है और उनके साथ यहाँ के स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ मौजूद रहे और स्टाफ के सभी सदस्य और स्थानीय प्रबुद्ध लोग इसमें इस समारोह में उपलब्ध रहे। और ये विभाग की ओर से, सरकार की ओर से जो अनुसार है ये उसके अनुरूप हमने आज इन पुस्तकों का वितरण किया है ताकि समय पर बच्चों की पढ़ाई जो है इस सेशन में आरम्भ की जा सके। धन्यवाद। सोलन से अजीत की रिपोर्ट।